चमर नाला एवं दामोह सतना मार्ग के कलेहपुरी मार्ग को बैरिकेड लगाकर बंद कर दिया गया है, जिससे यात्री बसों सहित ट्रक व अन्य वाहनों की लंबी लंबी कतारें लगी हुई है। साथ ही प्रशासन के आदेश पर नदी नालों के किनारे बस गांव में सुरक्षा व्यवस्था की ध्यान रखा जा रहा है। कई जगह पानी में फंसे हुए लोगों को NDRF और SDRF की टीमों के द्वारा सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। बता दें कि सिमरी या सुनवानी छतरपुर, सुनवानी आमानगंज, शाहनगर बोरी मार्ग पुलों पर पानी आ जाने से बंद है। मौके पर SDOP सौरभ रत्नाकर, तहसीलदार प्रीति पंथी, थाना प्रभारी त्रिवेंद्र त्रिवेदी सहित राजस्व एवं पुलिस मौजूद रहे। लोगों को पानी के पास जाने से रोका जा रहा है, बैरिकेडिंग करवा दी गई है और बारिश और होने की संभावना है। बाकी सब व्यवस्थाओं से वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत करा दिया है। क्षेत्रों में भी CEO साहब को बता दिया गया है, ग्राम पंचायत और स्कूलें खुलवा दी गई हैं जिनके घरों में पानी भरा है। कस्तूरबा छात्रावास में भी सूचना मिली थी, वहाँ की लड़कियों को भी हॉस्टल में तो धर्मशाला में सुरक्षित रखा गया है और उनके खाने पीने की व्यवस्था भी करवा दी गई है। हमारा बंदिश ये रहेगा कि घरों से आप अनावश्यक बाहर ना निकले, नदी नालों के पास ना जाए और किसी भी प्रकार से रोड को क्रॉस करने का जोखिम आप लोग नाले स्वच्छित रहे, घरों में रहे और कोई समस्या तकलीफ आती है तो निश्चित तौर पर पुलिस को सूचना कर आपकी मदद की जाएगी। अभी कैसी स्थिति है सर? अभी पवई कस्बे में खैरियत है, किसी तरह से कुछ अधिक जलभराव नहीं हुआ है, केवल पुलों पर पानी आया हुआ जहां पुलिस बैरिकेड लगा दिए गए।